अस्सलाम वालेकुम, आई एम खिजर हुमायूं फ्रॉम इनेबलर्स इस्लामाबाद। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रांड अप्रूवल्स के हवाले से और किस तरह हम अपने लिए पोटेंशियल ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें होलसेल में अक्सर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं। उसका रीजन ये कि वो समटाइम ऐसे ब्रांड्स के पीछे जा रहे होते हैं जो जो शायद अप्रूवल देते ही नहीं है नए सेलर्स को, और हमारी वो एक ही स्ट्रेटेजी, हम हर उस ब्रांड के पीछे जा रहे होते हैं जो शायद हमें अप्रूवल ना दे। सबसे पहले होलसेल में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे ब्रांड ढूंढने चाहिए जो कि अप्रूवल भी दे रहे हों और वहां पर हमारे पास हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से प्रोडक्ट्स भी होना जरूरी है। इसके लिए हम दो टूल्स यूज कर रहे होंगे, जिसमें एक हमारे पास है स्मार्ट स्काउट और साथ ही कीपा। यानी ब्रांड हंटिंग हम कीपा से करेंगे, सॉरी स्मार्ट स्काउट से करेंगे, और कीपा हम यूज करेंगे देखने के लिए कि क्या उस ब्रांड के हवाले से प्रोडक्ट्स हैं हमारे क्राइटेरिया में या नहीं। अच्छा, जब भी आप स्मार्ट स्काउट को लॉगिन करेंगे तो ये इसका नॉर्मल डैशबोर्ड है। आपने सिंपली यहाँ राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा की टूल्स, और की टूल्स में आपके सामने एक यहाँ पर टैब अवेलेबल है ब्रांड्स के नाम से, आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। अच्छा, अब आपके सामने जब नई स्क्रीन ओपन होगी तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका ब्रांड जो है वो किस कैटेगरी का होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया पूछा हुआ है कि अमेजोन की परसेंटेज उसमें कितनी हो, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या हो, मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए, टोटल रिव्यूज और इस तरह की डिफरेंट चीजें यहाँ पे पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने लिए कैटेगरी चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी को चूज किया। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अमेजोन की प्रेजेंस उस ब्रांड में कितनी होनी चाहिए। हमने कहना है मैक्सिमम 35%, यानी उस ब्रांड के अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो 65 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें अमेजोन ना हो, अप टू 35 यानी एक्सेप्टेबल हम समझते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास ज्यादातर हमें ऐसे ब्रांड भी मिलते हैं, लेकिन हमें ये चीज तो पता है ना कि अमेजोन की प्रेजेंस होनी होनी होती है, ज्यादातर ब्रांड्स में अमेजोन एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी ना किसी प्रोडक्ट में, तो अमेजोन की प्रेजेंस तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर देख सकते हैं कि क्या उस ब्रांड में ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अमेजोन अवेलेबल ना हो और हमें उसका बेनिफिट हो सके। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे मैं मिनिमम 5 एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स रख लेता हूँ, मैक्सिमम जितने ज्यादा उतनी अच्छी बात है हमारे लिए। रीजन क्या है, जितने ज्यादा सेलर्स हैं इसका मतलब है वो एक ऐसा ब्रांड है जिसे कन्विंस करना कंपेरेटिवली आसान है, या फिर जो इवेंट डिस्ट्रीब्यूटर रोड मैप से जाए तो हो सकता है वो इतनी आईपी कंप्लेन्स ना करता हो। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है एवरेज सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी मिनिमम हमने 20 रखना है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की हमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी, ताकि हमारे पास हाई टिकट आइटम्स यानी जो महंगे आइटम्स होते हैं जिनकी प्राइस $100 या उससे ज्यादा होती है वो भी आए, क्योंकि इनमें भी मार्जिन ज्यादा होता है और काफी अच्छी सेल्स भी हमें इसमें नजर आती हैं। अच्छा, रेवेन्यू का टारगेट, ठीक है, रेवेन्यू मिनिमम आपने अपने लिए $100,000 रखना है, ठीक है, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ आपने 2500, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हमें इसको मैक्सिमम रेंज को एम्प्टी नहीं छोड़ना। रीजन क्या है, वरना हमारे पास इतने ह्यूज लेवल के ब्रांड्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि नए सेलर्स को, तो क्या वो इतनी आसानी से पुराने सेलर्स को भी शायद अलाउ नहीं कर रहे होते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नाइकी है, एडिडास है, तो वहां पे अप्रूवल लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझा जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर रोड मैप से तो आप जा सकते हैं, डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा होता। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एफबी सेलर्स में भी आप मिनिमम 4 या 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई मजीद वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर नहीं करनी होती है। आपने इसके बाद सिंपली यहाँ पे सर्च का बटन जो है इसको क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के नाम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें क्या चीज देखनी है, हमने देखना है कि अमेजोन की सबसे पहले परसेंटेज देखें, अमेजोन डोमिनेट तो नहीं कर रहा, हमने देखा इतना ज्यादा अमेजोन की परसेंटेजेस इस ब्रांड में, इन ब्रांड्स में नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स जिसमें जितने ज्यादा है इसका मतलब है यहाँ पे अप्रूवल लेना उतना आसान हो सकता है। कितने मंथली यूनिट्स ये ब्रांड ओवरऑल अमेजोन पे सेल कर रहा है इसका डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने देखना है कि जो डोमिनेंट सेलर टैब है, इस डोमिनेंट सेलर के टैब में कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है, कोई ऐसा सेलर तो नहीं है जो कि इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमेजोन डोमिनेट कर रहा हैरीज और हेड एंड शोल्डर्स, ये जो दो ब्रांड है इसमें अमेजोन जो है खुद जो है डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा एक ब्रांड है प्लेट्जा डर्म, इस ब्रांड में आप देखें ब्रांड खुद ही डोमिनेट कर रहा है, तो इस तरह के आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब बाजाहिर हमें नजर आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बम्बल एंड बम्बल है, इसके अलावा ये केविन मर्फी है, इस तरह के एक ये जेडो स्किन हेल्थ है, हमें नजर आ रहा है ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें हमें कोई डोमिनेशन नजर नहीं आ रही, यानी कोई भी डोमिनेंट सेलर हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि चले अप्रूवल देना हो सकता है आसान हो, जाहिर है नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है,
तो जाहिर है ये या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इजीली अवेलेबल आइटम्स हैं या फिर ये ब्रांड आसानी से अप्रूवल दे रहा है। अच्छा, अब हमें हमारे लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या इस पर्टिकुलर ब्रांड में हमारे क्राइटेरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है कीपा में, कीपा में डेटा टैब में, और डेटा टैब में आपने क्लिक करना है प्रोडक्ट फाइंडर। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना नॉर्मल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया एंटर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल करंट PSR 1 to 50,000 हो, और सॉरी दोबारा इसको देख लेते हैं। 1 to 50,000 हमारा करंट PSR हो, और 90 डेज की जो एवरेज है वो भी 1 to 50,000 हो, ताकि हमारे पास स्टेबल और कंसिस्टेंट BSR वाले आइटम्स आए। बाय बॉट्स की सेलिंग प्राइस minimum 20, मैक्सिमम की हमने इस पे लिमिट नहीं लगाई, और अमेजोन से हम बचना बेहतर होता है, तो हमने यहाँ पे अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक को चूज किया। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई कैटेगरी चूज नहीं करूंगा, इसकी बजाय यहाँ पर एक टैब आपको नजर आएगा ब्रांड्स। हमने यहाँ पे वो ब्रांड नेम एंटर करना है जिसके बारे में हम ढूंढना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जेडो स्कैन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेडो स्कैन हेल्थ। ठीक है, मैंने ब्रांड ब्रांड नेम यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स में मैंने कहा minimum 4 होने चाहिए। इसके बाद बाय बॉट सेलर हम चाहते हैं थर्ड पार्टी हो, हमारे जैसे कोई थर्ड पार्टी सेलर हो, अमेजोन मौजूद ना हो। इसके बाद हमें वेरिएशन से थोड़ा बचना चाहिए, तो नो वेरिएशन को चूज किया। डिजिटल आइटम्स की हम सेलिंग नहीं करते। इसके बाद हमने कहा कि रेटिंग 4 स्टार से ज्यादा हो, ताकि अच्छी क्वालिटी वाले आइटम्स हो, और रिव्यूज काउंट minimum 50 रिव्यूज होने चाहिए। अमेजोन को इन स्टॉक से भी हमने हटाया, प्री ऑर्डर से भी रिमूव किया, बैक ऑर्डर से भी रिमूव किया, और हमने आइटम वेट कहा कि 1500 ग्राम यानी 1.5 kg से ज्यादा वाले आइटम्स ना हो, और हमने यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट को क्लिक किया। अब हमें एटलीस्ट ये पता है कि ये जो ब्रांड है इसके पास अराउंड 13 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे शो हो रहे हैं। तो इस जाहिर सी बात है, अब आपको इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसमें हमें नंबर ऑफ सेलर्स भी नजर आ रहे हैं, अप्रूवल रेट भी नजर आ रहा है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसके जिसमें FBA को बायबॉट्स भी मिला हुआ है। तो ये एक पोटेंशियल ब्रांड हो सकता है जिसको आप टारगेट करें। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने यूज करनी है कि पहले एक ब्रांड को टारगेट करें, और साथ ही साथ आप कीपा पे उस पर ये भी चीज चेक करें कि क्या इसमें हमारे क्राइटेरिया के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हैं तो फिर आपने उसको कन्विंस करने की तरफ जाना है, जिसकी ये इसमें फर्दर वीडियोज भी अवेलेबल हैं, और मैं आने वाले वक्तों में कुछ एडवांस वीडियोज इस तरह फर्दर भी बनाता रहूंगा। किसी को कोई इस हवाले से क्वेरीज हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी।